दोस्तों आज हम लोग चलते हैं नई दिल्ली में और देखने चलते हैं इंडिया गेट। तो अभी हम लोग मेट्रो में हैं, जा रहे हैं लाल किला से मेट्रो लेंगे। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं जो नई दिल्ली के पास में, इंडिया गेट के पास में पानी भरा रहता है, आप देखते होंगे ये वही जगह है। तो ये बहुत लंबी दूरी तक है, ये पानी भरा हुआ है साइड में। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है और पूरा एकदम हरियाली है चारों तरफ, ये देखिए। और हम लोग अब इंडिया गेट के पास पहुंच चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को हम पूरा व्यू दिखाएंगे, ये देखिए इंडिया गेट। सब लोग अपना फोटो वोटो खिंचाने में लगे हुए हैं, ये देखिए। इधर एक, इधर भी एक झरना है, एक लेफ्ट में झरना है और एक राइट में झरना है, दोनों तरफ झरना है। और ये देखिए अंकल जी थक चुके हैं। और ये देखिए चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली है। ये इंडिया गेट के चारों तरफ वो लगा हुआ है कि कोई अंदर न जाए, ये देखिए। अब हम लोग फोटो खिंचवा लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने भी एक फोटो खिंचवाया हुआ है यहाँ पे। और हम चलो, चलो। वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन धूप हो गई इतनी ज्यादा, एकदम दोस्तों इंडिया गेट घूमने के बाद हम लोग चलते हैं लाल किला घूमने के लिए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। तो अभी हम लोग टिकट ले चुके हैं, अभी केवल बाहर जा रहे हैं। ये देखिए बाहर का सीन आपको दिखा रहे हैं। और ये लाल किला में आप देख रहे हैं साइड में, इसमें एक नहर जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप देख रहे होंगे। ये जो साइड में गड्ढा हुआ है इसमें पानी भरा रहता है। तभी हम लोग जहाँ से मोदी जी भाषण दे रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं और बहुत भीड़ है। मेनली आप देख रहे हैं ये यही है नहर। तो आप रिक्शा से भी जा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हम लोग फाइनली जो देखते हैं इसकी बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग जहाँ मोदी जी झंडा फहराते हैं उसी को देखते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जहाँ झंडा फहराते हैं, ये बिल्डिंग ये वाली, लेकिन ये बहुत, ये बिल्डिंग केवल देखते हैं बस, लेकिन ये बहुत बड़ी में है पूरा। इसके अंदर भी म्यूजियम भी है इसके अंदर, अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको। ये केवल हम लोग यही को देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी लंबी दीवार है इसकी। ये देखिए इधर पूरा आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी पूरा इधर बना हुआ है लाल किला। ये देखिए सब लोग फोटो ले रहे हैं लेकिन किसी की फ़ोटो सही नहीं आ रही क्योंकि धूप ज़्यादा है, और धूप ज़्यादा होने के कारण ब्लैक आ रहा है। ये देखिए सब लोग धूप में बहुत थक चुके हैं और अब धीरे धीरे भीड़ भी कम हो रही है क्योंकि सब सोच रहे कि धूप कम हो जाए तो फोटो खींचें।